वजीर आलम साहब, हर साल हम लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं और हर साल हम हारते हैं, तो क्या फायदा बार बार इलेक्शन में खड़े होने का? इस वक्त बैठ के क्यों ना लड़ा जाए इलेक्शन को, राइट? एक ट्रक लाइएगा, ट्रक के पीछे मैं बैठ जाऊंगा, ट्रक आप चलाइएगा, राइट? और मुझे लाउड स्पीकर दे दीजिएगा और मैं लाउड स्पीकर पे लगातार बोलता रहूंगा, वोट फॉर मी, वोट फॉर मी, वोट फॉर मी, जनता जनार्दन, वोट फॉर मी, मिस्टर जनार्दन, प्लीज वोट फॉर मी, अंग्रेजी में भी बोल दूंगा, कैसा रहेगा? या तो फिर ये हो सकता है पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, या तो बंबई के हॉलीवुड के एक्ट्रेसेस और एक्टर्स बुलाए जाए, उनको बुलाने के लिए लाखों रुपए चाहिए और हमारे पास तो लाखों धेले भी नहीं, लाखों पैसे भी नहीं, एक फूटी कौड़ी भी नहीं, लाखों फूटी कौड़ियां भी नहीं, सो वी आर ब्रोक, उनको हम बुला नहीं सकते। या तो जादू के मैजिक ट्रिक्स सकते हैं वजीर आलम साहब, आपको मैजिक ट्रिक्स दिखाइए, अंडे निकालिए अपनी टोपी से या खरगोश निकालिए अंडों के अंदर से, कुछ जादू टूना ऐसा करिए कि लोग प्रभावित हों आपकी बातों से और मुझे वोट दें, राइट? क्या आपको नहीं आता जादू टूना? यही तो है, कुछ भी तो नहीं आपको आता। वजीर आलम साहब, कोई ना कोई तरीका बताइए जिससे हम पब्लिक को, खलकत को एकत्रित कर सकें, हजूम इकट्ठा कर सकें खलकत का, राइट? खलकते मखलूक इकट्ठी हो हमारे दीदार के लिए और हमारा कलाम सुनकर क्या करें, क्या करें, मुझे भी नहीं पता क्या करें, मगर मेरे लिए वोट जरूर दें, राइट? सो कोई तरकीब है आपके पास वजीर आलम साहब जिससे काफी भीड़ को एकत्रित किया जाए और भीड़ मजबूर हो मुझे वोट देने के लिए? जहां पना जरा सोच तो लेने दीजिए, इतनी जल्दी ना मचाइए, अभी तो इलेक्शन में 2 घंटे और हैं, जल्दी मचाने का क्या फायदा? 2 घंटे में तो बहुत कुछ हो सकता है, सारी दुनिया भी पलट सकती है, क्या पता 2012 में वर्ल्डली का विनाश हो जाए, इलेक्शन की जरूरत ही ना पड़े। प्रतीक्षा करिए कि 2 घंटे के अंदर वर्ल्ड एंड हो जाए, इधर एंड द सारा स्यापा मुक्केगा, एवरीथिंग विल एंड। तो अब आपको कैसे जिताया जाए, ये सारी बात है, राइट? अब हम लोग घूस तो दे नहीं सकते, है ना? घूस देंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इससे अच्छा हेन दे दें, राइट? आपको पता है मुर्गी और घूस में फर्क होता है, मुर्गियां बांटते हैं क्योंकि अगर घूस दी तो घूस तो अलाउड नहीं, GOOSE, राइट? अब क्या किया जाए, या तो फिर पैसे बांटिए, पैसे हमारे पास है नहीं, पैसे तो हमें बांटेंगे लोग, ये हम कह सकते हैं लोगों को कि हम आपको ब्राइब दे रहे हैं, ये ब्राइब दे रहे हैं कि आगे जाके जब आप हमको इलेक्ट कर लेंगे आपको हमें ब्राइब नहीं देनी पड़ेगी, राइट? राइट, हम आपको इसलिए ब्राइब नहीं दे रहे इलेक्शन में हमारे लिए वोट करने के लिए, क्योंकि हम ये वायदा कर रहे हैं कि जब हम इलेक्ट हो जाएंगे तो आप जाके हमको ब्राइब ना देना बेशक, राइट? ब्राइब दिए बगैर हम आपके सारे कामों को करने से इनकार कर देंगे, राइट? व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। और क्या क्या तरकीबें हो सकती हैं उनको हमारे लिए वोट कराने की? या तो शहनशाह दो आलम, आप गाने सीख के ट्रक पे खड़े होके गाने गाइए, उससे भी पब्लिक अट्रैक्ट हो जाती है, फिल्मी गाने, मेरा नाम चिंग चिंग चू बाबा चिंग चिंग चू, ऐसे वो काफी अच्छा गाना था मेरा ख्याल है, उससे तो बड़ी पब्लिक अट्रैक्ट हो जाती। फिर मैंने ये एक आपके लिए खास प्रकार की बीन बनाई है, यूं ब्लो करेंगे तो पब्लिक अट्रैक्ट होगी, फिर क्योंकि आप लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसी बीन को उल्टा करके इसमें बोलिएगा, हेलो टेस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे लिए वोट दो, मेरे लिए वोट दो, वोट, इस तरह तो लंबाई पड़ जाएगा। मुझे एक आइडिया है, शराबे यार, मेरा ख्याल है वोटर्स को शराब पिला दी जाए, शराब के समुंदर में डुबो दिया जाए, जामे जामे शराब, कर्जे पर ले आइए देसी टर्रा,
देसी ट्रा सबसे सस्ता, सबसे सस्ती शराब होती है। देसी ट्रा अंग्रेजी पुरानी बोतलें जो पड़ी हैं कबाड़िया के पास, उसमें भरवा के पब्लिक को बिठवा दीजिए, कहिए ये हमारी ओर से आपको तोहफा है कि आप अपने होश में रहिए हमारे लेक्चर को सुनते वक्त। कैसा रहेगा शराब, शराब की बोतलें कहो तो बिटवा दो, शराब की बोतलें पड़ी हैं पिछले इलेक्शन से जब हमने बांटी नहीं थी, याद है आपको, बहुत सी बोतलें लाए थे, वो मिक्सअप हो गई थी कोका कोला की बोतल्स के साथ, राइट, गलती से कोका कोला बांट दिया था हमने, शराब हम लोग पी गए थे खुद, फिर भी कुछ बोतलें तो पड़ी हैं जो हम बंटवा सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छी आइडिया है। सिपा सलार, वेयर इज द सिपा सलार? इंतजाम कर लो, जैसे हिंदी फिल्मों में विलन कहते हैं ना, कोई चूकने ना पाए, जितनी भी देसी टर्रे की बोतलें मिल सकें खरीद के फौरन ले आओ और उनको जनता जनार्दन में बिटवा दो, ये कहकर के महाराजा साहब की तरफ से तोहफा आया है, शराब पिए और उनको वोट देने आए, ज्यादा से ज्यादा शराब पिए ताकि नशे में आके ये भी भूल जाएं कौन सा कैंडिडेट किस पार्टी का है। इतना याद रखें, ये शराबे यार की पार्टी का कैंडिडेट महाराजा साहब है, तो जाइए पिलाइए शराबे, समझिए सिपा सलार, जाइए पिलाइए सबको शराबे, राइट। हैं, कितने लोगों ने मेरे लिए वोट दी? वोटिंग की लाइंस तो खत्म हो गई, कितने लोग गए मेरे लिए वोट देने? हमारे खास वोटर्स को क्या हुआ? आप तो जानते हैं खास वोटर्स कौन थे हमारे, जिनको शराब दी गई थी, उनका क्या हुआ? हैं, एक भी नहीं पहुंचा? क्या मतलब एक भी नहीं पहुंचा? कितनी बोतलें बांटी थी आपने? हैं, 1,00,000 बोतलें? और कितने लोग पहुंचे मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे वोट देने के लिए? एक भी नहीं? क्या हुआ वजीर आलम साहब, कोई गद्दारी तो नहीं हुई? कहीं शराब के अंदर आपने जहर तो नहीं मिला दिया था? हैं, क्या हुआ? क्या क्या वो सब शराब के नशे में इतना चूर हो गए कि किसी की नींद ही नहीं खुली इलेक्शन के दिन? हद हो गई इनकॉम्पिटेंस की वजीरे आलम साहब, अब क्या होगा? अब तो हार ही गए इलेक्शन, होगा क्या? जब एक आदमी ने भी नहीं वोट दी तो कोई चांस, अब तो नहीं कोई चांस बाय एरर, मैथमेटिकल एरर भी तो हो जाता है कई दफा कंप्यूटर्स में, खैर 0,0,0 पे, 0 और 1 ही पे तो चलते हैं, डिजिटल होते हैं कंप्यूटर, 0 और 1, मैं 0 तो तू 1, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब तो हार ही गए, अब क्या होगा? वजीर आलम साहब, अब तो हार गए, अब क्या होगा? अब क्या होगा? दीजिए उस बोतल को यहां जो आपने वहां बांटी थी। वाह, क्या शराबे गम, शराबे गम, शराबे यार बदल गई शराबे गम के अंदर। इलेक्शन का हारने का हमको कोई गम नहीं है, अगर है भी तो चुइंग गम है, गम नहीं। हाँ, वो गाना था ना नारकली फिल्म का, मैं फिल्म में ऐसे कदम डगमगाए, जमाना ये समझा के हम पी के आए, बाह पी के आए। वाह, सुबह आराम से गुजरती है, शब जाम से गुजरती है, इलेक्शन चीज क्या है हमदम, खूब आराम से गुजरती है।